भाई अब हम आ गए हैं मेन बाजार में रुड़की के। और देखो ये जादूगर। सो हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस, इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ रोड से। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ एंड मैं जा रहा हूँ अभी अपने दोस्त आयुष के पास। तो वो रहता है इरिगेशन में, तो पहले उसको मैं पिक करता हूँ एंड फिर उसके बाद आज मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में ले जाऊँगा, मतलब बाज़ार घुमाऊँगा। मैं भी बाज़ार घूमने जा रहा हूँ एंड आप लोगों को भी घुमाता हूँ। तो पहले जाएंगे हम नेहरू स्टेडियम में, उसके बाद जाएंगे बाज़ार में और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। तो फिलहाल अभी मैं पहले उसके पास जाता हूँ। तो गाइज़, अभी मैं हूँ अपने MH वाले रोड पर एंड मुझे 10 मिनट लगेंगे आयुष के पास पहुँचने में। उससे पहले मैं पेट्रोल फिल करा लेता हूँ पूरा, फिर उसके बाद चलते हैं सीधा नेहरू स्टेडियम में। तो फाइनली गाइस, मैं भी इरिगेशन में पहुंच चुका हूं एंड अभी मैं आयुष को कॉल मिलाता हूं, फिर उसके बाद वो आएगा, फिर हम चलेंगे यहां से। तो गाइस, फाइनली मेरे पीछे आ चुके हैं कौन? आयुष। तो अब चलते हैं हम सीधा नेहरू स्टेडियम पे। A few minutes later. तो गाइस, ये है बंदूक, कट्टे, असली कट्टे यहाँ पे बिक रहे हैं सारे। लाइस पकड़ ले। तो गाइस, अभी हमें नेहरू स्टेडियम के यहाँ पर सबसे ज्यादा पटाखे मिलते हैं, देख सकते हैं आप कैसे कैसे पटाखे हैं ये। लो भैया की बना दो, बताओ क्या करें। फिलहाल अभी चलते हैं आगे एंड देखते हैं उधर की साइड चलते हैं। आ लोग भाई पटाखे वाले पे, वहाँ पे देखते हैं, देख कितने बड़े बड़े, ये बढ़िया पेटी वेटी तो मांग रहा था जोर शोर। शाम को लेंगे पटाखे तो आ जा। अभी तक की जो सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे दिखाई दिया वो दिखी है इस वाली दुकान पे, इसके अलावा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे इतना। एंड आप देख सकते हो सब ने पटाखे लगा रखे ए टू जेड सब ने। यहाँ पे थोड़ी पब्लिक कम है तो अभी शाम नहीं, पर आज छोटी दिवाली है फिर भी इतना क्राउड नहीं है, पता नहीं क्यों। अभी तो लोगों की हालत ठंडी लग रही है मुझे पूरा ही, देखो। इधर कितनी पेटियां रखी भाई, कितना तगड़ा। ये है सबसे बढ़िया दुकान पे, ये है ना, ये 500 की। तो गाइस, अभी यहाँ पे इतना कुछ खास तो देखने के लिए मिल नहीं रहा है क्योंकि क्राउड कम है। तो फिलहाल अभी चलते हैं एंड देखते हैं वहाँ पे क्या सीन रहता है। अभी पटाखे इतने कोई खरीद नहीं रहा, आई होप, मैं तो दुआ करता हूँ इन सबके बिक ही जाएँ और ये अच्छी से अपनी दिवाली बना लें। सब ने पैसा लगाया हुआ है तो सबको भगवान दे। आ जाओ। तो अभी हमारे भैया जी इनके पास चलते हैं, इन्होंने शॉप लगाई हुई अपनी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तब तक कर ही थी रे, बढ़िया लगा रखे, चलो सही अपना काम कर रहा है। कितने का लाए बटा के? 3.5 लाख। यही नहीं, अभी और सुनिए, 3.5 लाख के, ठीक है। तो भाई, ये हमारे भैया की दुकान है, राहुल भैया की। ये रहे हमारे भैया, हाय कर दो भैया। तो इनकी 89 नंबर की यहाँ से जो एंट्री हो रही है गेट से, वही सेकंड वाली शॉप है 89 नंबर की। तो आप आओ, इनसे डिस्काउंट देंगे अच्छे वाला आपको पटाखों में। जल्दी से जल्दी आ जाओ, पहुँच जाओ, आज ही आ जाए कल गाजियाबाद है। तो गाइस, अभी मैं आप लोगों को ऊपर दिखाता हूँ, ऊपर जो है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वाले पटाखे हैं, वहाँ पे चलते हैं सीधा, फिर देखता हूँ ऊपर कैसे पटाखे। क्या वो आंटी घूर रही? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अबे ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा धीरे धीरे करके यार, पब्लिक तो देखती रहे ना। तो गाइस देखो, ये है जो बड़े बड़े पटाखे स्काई शॉट वगैरह जो ऊपर लगे हुए, कितने खतरनाक होंगे, रुड़की उड़ा देंगे। बड़े-बड़े लार होगी, बड़े-बड़े सेटअप लेगा यार। चल तो ऊपर चलो। गाइस देखो अभी, हैं? तो अभी हम आ गए नेहरू स्टेडियम के ऊपर, सबसे बड़ी दुकान जो आप देख सकते हो मेरे पीछे है ये। यहाँ पर सारे बड़े बड़े स्काई शॉट वगैरह हर चीज मिल रही है और कुछ ऐसा नजारा है अभी देखो पूरे नेहरू स्टेडियम का।
चल नीचे चल रहे तो फिलहाल चलते हैं नीचे। तो गाइस मैच में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे पटाखे बेचने से ज़्यादा, यहाँ पर भी जितने लोग हैं जितने पटाखे बेचने वाले हैं सब क्या कर रहे हैं, ए टू जेड क्रिकेट का मैच लगा रखा और चिल्ला रहे हैं देख रहे हैं। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं जो पटाखे बेच रहे हैं, अभी इतने खाली हैं कि मैच चल रहा है इंडिया का, तो उसमें जब वो छक्का वक्का मार रहे उसके बाद चिल्ला रहे शाउटिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल देखो कार मेरे कार में ऐसा कुछ नजर आ रहा है अभी इतना कुछ साथ में देखो भैया की लोग वीडियो, तो देख सकते हो कितना मस्ती ले रहे हैं एकदम एंजॉयमेंट से। पटाखे नहीं बेच रहे ये मैच में इंटरेस्ट ले रहे। तो गाइस अब चलते हैं सीधा बाहर क्योंकि यहाँ पर अभी इतना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने लायक है नहीं, तो फिलहाल अभी बाइक उठाते हैं एंड चलते हैं सीधा बाहर। 5 hours later यहाँ पे लगे हुए हैं कुछ गुड्डों की शॉप और ये आगे ये यहाँ पे कुछ फूल लगे हुए हैं, ये पूरा बाजार दिखा देता हूँ धीरे धीरे करके। छीन लो आ जाओ ये जादूगर। चल भाई आ जा, चैनल का नाम है रुड़की का लड़का, ठीक है सर्च मार लियो तुम, बस तू सर्च मार लियो जब, ठीक है चल भाई आ जा। तो गाइस देखो कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए एकदम मस्त एंड यहाँ पर भी पूरा सजा रखा पूरा फूल फूल से। तो गाइस अभी देखिए अभी मैं खड़ा हूँ गंगा ब्रिज के सामने, हो रहा सामने गंगा ब्रिज एंड भीड़ देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो अभी आयुष ये रहा सामने अकेला घूमता फिर रहा है, देखो कितना क्राउड है रुड़की के अंदर, अभी इधर ही जा रहा है बीटिंगगंज अंदर से। फिलहाल चलते हैं अभी मेन बाजार की तरफ एंड उसके बाद ब्लॉग करना इतना आसान नहीं हो रहा क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है और सुनाई भी कम नहीं दे रहा होगा, तो चलते हैं अभी हमने गाड़ी वहाँ पर पार्क करी है आगे, तो वहाँ चलते हैं फिर मेन बाजार की तरफ। तो ये है हमारा मेन बाजार, यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो कितनी अच्छी लड़ियाँ लगा रखी ऊपर इन्होंने, यहाँ पर कुछ लहंगे वहंगे बिक रहे हैं। फाइनली अब हम आ गए हैं मेन बाजार में रुड़की के और देखो कितना मस्त कर रखा है एकदम से, क्राउड कितना हो रखा है यहाँ पे एकदम ऊपर की लड़िया देखो कितनी मस्त एकदम से जा रखा पूरा बाजार। तो फिलहाल पार्क गाड़ी यहाँ पे हो रही है, अगर आप भी आ रहे हो तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो। यहाँ पर सब कपड़े वगैरह की शॉप है ये सब देखो एकदम ऐसा लग रहा है एकदम फॉरेन में घूम रहे हो, सीन बहुत अच्छा है, मतलब ये लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लग रही है। फिलहाल मैं और आयुष ही जा रहे हैं, हमारे अलावा कोई नहीं जा रहा, तो आगे थोड़ा सा और आज तो ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, वहाँ पर भीड़ थी तो इतना ज़्यादा कुछ खास क्राउड नहीं है और लोग हमें इस तरह देख रहे हैं जैसे कि हमने पता नहीं क्या कर दिया, वो लोग शूट नहीं करने दे रहे। रुड़की पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया एकदम मस्त है, मतलब पहले से ज़्यादा तरक्की हो चुकी है बाज़ार में और ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर एक बार अगर घुस गए तो फिर बाहर आना मुश्किल है एंड बस यहाँ तक के चलते हैं, यहाँ तक थोड़ी दूरी पे फिर अपना पैक चलेंगे वापस। तो गाइस अभी हम फाइनली अंदर आ गए हैं बीटीगंज के और यहाँ पर लड़कियों का सामान है पूरे बाजार में ये, तो देख सकते हो आप बाजार के कुछ ऐसे सीन अभी।
फूलों की दुकान कितनी मस्त है, पूरे फूल ही फूल लग रखे। इतनी भीड़ में मैं ब्लॉगिंग इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि ना मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके एंड मैं आगे कुछ कर सकूँ। तो फिलहाल इसीलिए मैं ये ब्लॉग शूट करने आया था मार्केट में। और देखो अभी जो हमें बीटीगंज में और कितनी भीड़ है यहाँ पे यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है अंदर से, अंदर इतना क्राउड कम था पहले। आ जा आयुष, दीपावली की तैयारी पूरे अच्छे तरीके से। तो गाइस अभी मैं बाहर आ चुका हूँ एंड जल्दी से अब गाड़ी उठाते हैं और फिर चलते हैं अपना। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं सिविल लाइन की ओर, सिविल लाइन में जाते हैं, वहाँ पे भी दिखाता हूँ सिविल लाइन में कैसे कैसे डैम रोड रखा, भीड़ यहाँ पे ज़्यादा होती है तो इसके कारण मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा यहाँ पे। तो कुछ देखो यहाँ पे भी रोड पे बैठ बैठ के सामान बिक रहा है। तो हम ऐसे राउंड मार के आ गए बाहर से पूरा और हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क करी हुई है। तो जल्दी से फिर गाड़ी उठाते हैं एंड चलते हैं। फाइनली एरी हमारी बाइक, तो अब निकलते हैं सिविल लाइन की ओर। भाई फाइनली अब हम जा रहे हैं सिविल लाइन की ओर, सिविल लाइन दिखाते हैं आप लोगों को। तो भाई तभी हम फाइनली सिविल लाइन में आ चुके हैं और सिविल लाइन में दिखाते हैं आप लोगों कैसा कैसा नज़ारा है। और मैं ये शूट कर रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग, हेलमेट में मैंने माउंट कर दिया फ़ोन, मजाक कर रहा हूँ। ये देखो छपरी बॉयस, इधर तो ऐसे कुछ सजा रखा, अभी तो सिविल लाइन हमारा पूरा बाजार आई सारा दिखाते रहे भाई। तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आई दिखा रहा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा है अभी तो सिविल लाइन में, इतना क्राउड नहीं है अभी, पता नहीं क्यों इस बार, वरना यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, बिल्कुल सादा हो रहा है, कोई भी नहीं है। और आज इंडिया के मैच में इंडिया जीत गई तो लोगों ने पूरी खुशी मनाई, दिवाली से ज़्यादा उस चीज़ की खुशी मना रहे लोग, हमारी इंडिया जीत गई। क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ है हमारे इंडिया हिंदुस्तान में। यहाँ से मेन बाज़ार स्टार्ट हो रहा है, ये देखो अभी यहाँ से कितने डेकोरेटिंग है। ये हमारा सिविल लाइन का मंदिर है जो कि आप अगर कभी फिलहाल, तो देखिए कितने अच्छे सजावट के सामान है यहाँ पे। और तो कुछ ऐसा ही सजा रखा है बाजार। तो इतना कुछ खास मैं व्लॉग में बना नहीं पाया क्योंकि क्या हुआ कि क्राउड भी बहुत था और मेरी जो बाइक है वो इससे आई, उससे जो मेरा भाई शूट कर रहा है अभी फ़ोन से, उस पर ये बाइक चल नहीं रही थी। तो इस कारण से मैं क्या कहते हैं, अब हम टर्न ले रहे हैं इधर को, तो अब सीधा चलते हैं हम। तो इस कारण से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा क्योंकि ना शूट मेरे पे करना आता है और आई उस पर ज़्यादा चलाना नहीं आता फ़ोन वगैरह, मतलब कि कैमरा भी शूट नहीं करना आता और जो बाइक है ये इस पर चल नहीं रही, तो इस कारण से अब मुझे शूट करना पड़ रहा है। एंड अभी जो हम हैं सिविल लाइन में और हम जा रहे हैं अब नेहरू स्टेडियम वाले पुल पर, सो जल्दी से फिर वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। अभी फाइनली हम नेहरू स्टेडियम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर लगी हुई है देखो फूलों की दुकान। अरे कहना क्या चाहते हो गाइस, फाइनली मैं आ गया हूँ घर और मैंने व्लॉगिंग बहुत कम किया आज क्योंकि थोड़ा क्राउड भी ज्यादा था, तो इसलिए आप समझ लेना कि इसलिए व्लॉग कम। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। और अभी मैं वीडियो स्टार्ट एडिटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय। अनार भैया ये कितने का है, कितने का है?